चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ टेक न्यूज़। आज भी हर रोज की तरह बहुत ही जबरदस्त टेक न्यूज लाए हैं। आई एम ट्राइंग टू रैप अप क्विकली क्योंकि बहुत सारी है, लेकिन अच्छी अच्छी खबरें हैं, जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वैसे दोस्तों, आपको पता है ये जो चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर हुआ है, उसमें कौन सी कंपनी फंस गई है? हुआवे फंस गया है। एंड अब उन्होंने कहा है कि 2020 में हमारा जो गूगल मोबाइल सर्विसेज का रिप्लेसमेंट है, जिसका नाम होगा हुआवे मोबाइल सर्विसेज, वो आने वाला है। इनफैक्ट इसका जो अनाउंसमेंट है वो 2019 में ही, मतलब अगले 10 दिनों में वगैरह वो करने वाले हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा है फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी गूगल मोबाइल सर्विसेज की। इसका मतलब बैन भी हो गए कंप्लीटली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गूगल ऐप का जो इकोसिस्टम है, जो लाखों ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे है, वो ये कहां से लाएंगे? इट इज अ अपहिल टास्क, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो है हुआवे। और दोस्तों, रशिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। जी हाँ, उन्होंने कुछ टेस्ट्स किए जहां पे उन्होंने पूरी कंट्री का जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया था। बंद कर दिया था मतलब बाहर से जो इंटरनेट का ट्रैफिक आ रहा है वो बंद कर दिया था, अंदर का नेटवर्क पूरी तरह से चालू था। इसका मतलब रशिया वॉज अ लार्ज ह्यूज इंट्रानेट एंड नॉट इंटरनेट। उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उन्हें डर है कि आगे आगे साइबर वॉर्स वगैरह होने वाले हैं। इंटरनेट में से अगर किसी ने कुछ भेज दिया, पूरा रशिया डाउन हो गया तो क्या होगा? तो इसका मतलब बाहर के इंटरनेट एक्सेस को बंद करना है। उसके लिए उन्होंने टेस्ट किया और ये सक्सेसफुली किया। वैसे इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसे टेस्ट हो गए और पूरा इंटरनेट कुछ मिनटों के लिए वगैरह बंद हो गया सबका, तो क्या होगा? और दोस्तों, आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज़ नंबर 603। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। एंड आज का जो वीडियो है दोस्तों, Redmi K30, यस, Redmi K30 का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस डाला हुआ है, जरूर देखिएगा। इट लुक्स लाइक अ ग्रेट फोन, लेकिन ये 5G नहीं, 4G वेरिएंट है। चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, लेकिन बिफोर हैंड अगर आपको देखना है तो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, एयरटेल उनका जो वो वाईफाई, मतलब वाईफाई कॉलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बढ़ाते ही जा रहा है, उसका जो कवरेज है वो बढ़ाते ही जा रहा है। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है मुंबई में। मुंबई में अगर आपके पास सिलेक्टेड हैंडसेट्स, जो सपोर्टेड हैंडसेट्स हैं वो हो, तो ज़रूर देखिए एयरटेल वाईफाई ऐसे आ जाएगा और कीजिए कॉल्स वाईफाई के ऊपर। साथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे बहुत सारे जगह पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्च तक उन्होंने कहा है कि कुछ 50 करोड़ लोगों तक ये पहुँचने वाला है। That is very interesting. और दोस्तों, जो हुआवे की हालत है वही ऑनर की भी हालत है। जी हाँ, वो भी नए फोन्स जो हैं वो नहीं लॉन्च कर सकते हैं विद गूगल मोबाइल सर्विसेज, और उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि और इंडियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो अब ऐसी अनाउंसमेंट आई है कि 2020 में ऑनर उनका लैपटॉप लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है मैजिक बुक, और एक नहीं दो लैपटॉप्स लॉन्च करने वाले हैं। ये चाइना में लॉन्च हुए हैं, इंडिया में नहीं आए थे, बट 2020 में आने वाले हैं। उतना ही नहीं, टेलीविजन भी लेके आने वाले हैं ऑनर के ही 2020 में। और दोस्तों, ऑनर की तरफ से ही जैन में दो चीज़ें लॉन्च होने वाली है। एक तो उनका फ़ोन ऑनर 9X, जो 6 महीने हो गए चाइना में लॉन्च हो गया, अब आ रहा है इंडिया में। अच्छे स्पेक्स वगैरह, अच्छे कैमरा वगैरह जब आएगा तो सब कुछ आपको बताएंगे। वैसे दोस्तों, हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020 कल आने वाला है, इधर मत देखिएगा, कल आने वाला है, ज़रूर देखिएगा। एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। साथ में दूसरी चीज़ लॉन्च करने वाले हैं, मैजिक वॉच 2, ऑनर का ही है, एंड दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। जैसे ही लॉन्च होगा दोनों भी चीज़ों की अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, रिव्यू सब लेके आएंगे। वैसे दोस्तों, इंडिया में LG ने LG G8X ThinQ, ये जो है डुअल स्क्रीन वाला, वो लॉन्च कर दिया है। उसका भी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही जल्दी आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर। लेकिन MWC 2020 में वो लॉन्च करने वाले हैं LG V60 ThinQ। जी हाँ, ये भी डुअल स्क्रीन के साथ होने वाला है, इसमें भी 5G होने वाला है, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर होगा, हाई एंड स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं। सो आई थिंक ये जो ThinQ सीरीज है या फिर फ्लैगशिप सीरीज LG की होने वाली है, उसमें अब डुअल स्क्रीन्स जो है वो देखने को आपको मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं LG G8X ThinQ के, एंड डुअल स्क्रीन्स लुक गुड एंड इट इज़ वेरी वेरी फंक्शनल एज वेल।
और दोस्तों Redmi 9 का प्रोसेसर आपको पता है, परसों दो तीन दिनों पहले मैंने बताया था ये होने वाला है MediaTek का G70, जो एक नया प्रोसेसर है। अब वो क्या होने वाला है, G70 प्रोसेसर कैसा है, उसमें कोर्स कौन से है, उसके बारे में बाहर आ गया है। इट इज गोइंग टू बी ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2+6 आर्किटेक्चर पे होगा। इसका मतलब दो परफॉर्मेंस कोर्स होने वाले हैं, A70 Cortex A75 क्लॉक्ड एट 2 GHz, और जो बाकी के 6 होने वाले हैं वो होने वाले हैं एफिशिएंसी कोर्स A55 जो क्लॉक्ड होने वाले हैं 1.8 GHz पे। इसका मतलब दोस्तों ये जो प्रोसेसर होने वाला है ये एंट्री लेवल का ही होगा, बजट लेवल का होने वाला है, इसीलिए आ रहा है Redmi 9 के ऊपर। सो अंडर 10,000 के जो फोन्स होंगे वो इसके ऊपर आधारित होंगे। और दोस्तों OnePlus की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। जी हाँ, OnePlus के जो CEO है पीट लाओ, उन्होंने कहा है, खुद से कहा है कि जो OnePlus 8 सीरीज होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैगशिप सीरीज टिल डेट। इसका मतलब क्या, ब्यूटी में क्या रह गया, आजकल सभी टाइप के स्मार्टफोन्स हमने देख लिए हैं, लेकिन जब पीट लाओ कहते हैं इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी समथिंग कंपेलिंग। अब जब आएगा तब देखेंगे, बट क्या लगता है आपको कैसे होगा, मिरर फिनिश के साथ होगा, और कुछ होने वाला है, अलग अलग अतरंगी कलर्स आने वाले हैं, जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों कैसी लग रही है आज की टेक न्यूज, अगर अच्छी लग रही है लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़े कम लाइक्स आ रहे हैं, मदद चाहिए आप। और OnePlus की तरफ से ही और एक खबर आ रही है, OnePlus 8 Lite के स्पेसिफिकेशंस। जी हाँ, ये पहली बार OnePlus का कोई फोन आने वाला है MediaTek प्रोसेसर के ऊपर। ऐसे कहा जा रहा है कि Dimensity 1000 इस चिपसेट पे आधारित होगा, इसका मतलब 5G होगा, अगर चाइना में वगैरह लॉन्च होगा तो 5G के साथ आएगा, एंड उसकी प्राइस भी होने वाली है कुछ 25,000 to 30,000 के बीच में। इसका मतलब जो उनके OnePlus 8 या OnePlus 8 Pro होने वाले हैं वो फ्लैगशिप सीरीज के होंगे, और प्रीमियम मिड रेंज या फिर बजट फ्लैगशिप ऐसे कहा जा सकता है OnePlus 8 Lite को, तो Lite सीरीज का पहले ही आने वाला है और पहली बार OnePlus का फोन MediaTek पे आएगा। और दोस्तों आज अनाउंस कर दिया है Realme ने उनका X50 5G वाला जो फोन है वो कब लॉन्च होने वाला है, उसकी डेट January 7th को ये लॉन्च होगा चाइना में। एंड इज इट गोइंग टू कम टू इंडिया, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आपको क्या लगता है। और दोस्तों उनके आस्क माधव एपिसोड में माधव शेठ जो Realme के इंडिया CEO है उन्होंने कहा है कि हमारा फिटनेस बैंड जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में आने वाला है, इसका मतलब जैन से लेके जून तक कभी भी आ सकता है। जैन में वैसे कुछ लॉन्च इवेंट है, जरूर है, 2-3 फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, वो कौन से हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे दोस्तों जरूरत नहीं है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की, क्योंकि कल आ रहा है हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर जैन 2020, वो वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों ओप्पो का भी सेल आ गया है, ओप्पो फैंटास्टिक डेज ऑफर। जी हाँ, बहुत सारे फोन्स के ओप्पो के फोन्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जैसे उनका F11 है, F11 प्रो है, उसके बाद में उनके A5S है, रेनो सीरीज है, मतलब 10% से लेके कुछ 40-50% तक ऑफ आपको मिल रहा है, साथ में एक्सचेंज ऑफर्स, नो कॉस्ट इंटरेस्ट EMIs, ये सब भी मिल रहा है। तो अगर ओप्पो के फोन में आपको इंटरेस्ट है तो जरूर जाके देखिएगा, वैसे मैं लिंक्स कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब वक्त होता है ट्रैक इंड टेक ट्रेजर हंट का, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में, #TTTH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है आकाश शाह, कांग्रेचुलेशन आकाश जी, भेज दीजिए आपका पेटीएम का ईमेल आईडी, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, जी हां, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं, हिमांक शर्मा, जाकिर शेख और सुजीत सरकार, कांग्रेचुलेशंस, क्या जबरदस्त कमेंट्स डाले, ऐसे ही कमेंट्स डालते रहिए, ऐसे ही हम कमेंट्स पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड नंबर 603 खत्म होती है इधर ही, अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयरिंग आपके हाथ में, रिमाइंड मेरे हाथ में है। वैसे दोस्तों कल है क्रिसमस, पहले ही सबसे पहले आपको दे दूं बड़ी बड़ी क्रिसमस की बधाइयां। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग। काय इकडे तिकडे बघता है रे तुम्ही, तू बघतोय म्हणून तू सब बघतोय, काय विचार चालू आहे, बोल ना। आत्ताच तुला विचार करायचा, आत्ताच माझं। और दोस्तों Redmi 9 के ऊपर आने वाला है तो ये एंट्री लेवल का होने वाला है। हो जाइए काय, हो जाने दीजिए, कल लॉन्च जरूर। आई हे असच बोट जातो माझं, असच जातो, पण ठीक आहे परत करतो।